और उस भाई की पूरी बाजू ख़त्म हो गई, उसको मिला 1.5 लाख रुपए, कुछ उसके मेहनत के थे 20-30 हज़ार रुपये, और उसको 1.5 लाख रुपए में बाजू उसकी ख़त्म हो गई, फिर उसको घर पे भेज दिया। ये होता है गरीब के साथ। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहुंच गए हैं, देखिए उतारने लग रहे हैं। आज एक लेबर वाला फालतू था, बच्चन भाई साहब का, तो वो उतरवा रहा है, मैं थोड़ी देर सो लूँगा, नींद आ रही थी मेरे को तो बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। बारिश हो रही है शुरू, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ उतरेगी 4,000, बाकी जाएंगे 1,500 साइड पे या फिर दुकान पे। 20 मिनट का काम रह गया, यहाँ उतर जाएंगे 4,000, 1,500 जाएंगे दुकान पर। पंद्रह सौ लगाने आ गए हैं दुकान पर, यहाँ करके खाली फिर चलेंगे, भाग जाएंगे। अभी खाएंगे खाना, पूरी खाएंगे पूरी। जिस भट्ठे पर जा रहे हैं उस भट्ठे पर लेबर नहीं है, तो अर्जुन और जान तिल वाला भट्ठा उस पर लेबर पूछने के लिए गए हुए हैं। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, 4 बंदे बगैर ट्रॉली भर के नहीं देती है, उतरती तो बहुत मुश्किल है, भरनी उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बढ़िया वाले इंटे हैं, पूरी बढ़िया इंटे हैं, 1% अभी दिक्कत, बहुत ज्यादा बढ़िया। ऐसे ये भट्ठा घूम रहा है ना, ये पंखा, सॉरी पंखा, जहाँ से ये पंखा घूम रहा है ना, 2 साल पहले की बात है, बताता हूँ बैठ के बताता हूँ। 2 साल पहले की बात है, मेरे साथ में सचिन था, सबसे छोटे वाला भाई मेरे साथ में था, हम दोनों थे, और ये 2020 की बातें हैं, 23 है 22, हाँ 2020 की बातें हैं। सचिन मेरे साथ में रह रहा था, 1 महीना 1.5 महीना रहा वो मेरे साथ में। तो इस पंखे में ना, जैसे हम गमछा रखते हैं, पराना रखते हैं गले में, तो इस पंखे के पास ना वो बेल्ट बेल्ट चढ़ा रहा था। देखो दो इंजन है यहाँ पे, एक एक ये है वाइट वाला, वो नीली पन्नी वाला, तो एक वो बिहारी, बिहार का लड़का था, बिहार के लेबर वाले थे वो पंखे पर, और वो बेल्ट बदल रहा था। जैसे एक 12 घंटे एक इंजन चलता है, 12 घंटे एक इंजन चलता है, अगर दिक्कत आ जाए तो फिर वो एक चलता रहता है, मतलब दूसरा चलता रहता है जब एक में दिक्कत आ जाए तो। तो वो बेल्ट बदल रहा था और पंखा स्पीड में घूम रहा था, पंखा स्पीड में घूमते घूमते वो बेल्ट, पता नहीं बेल्ट बदल रहा था, चढ़ा रहा था उसके ऊपर, तो अचानक से ना जो उसका गमछा गले में था वो उसके अंदर लिपट गया, जो बीच में ये गोल चक्के हैं, 4 गोले होते हैं, फिर ऊपर से पूरा गोल होता है। बेल्ट बदलने से पहले ही दूसरे इंजन में, पहले इंजन से दूसरे इंजन में बेल्ट बदलने से पहले ही उसका गमछा उसके अंदर उलझ गया, जो पराना बोलते हैं हम, तो वो उलझने के साथ में ही उसकी, मतलब कि वो गले में था, फिर वो बाजू पर लिपट गया ऐसे, तो यहाँ से निकलेगा तो ऐसे ऐसे बाजू ऊपर से लिपटता 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 बाजू फिर अंदर चली गई, हाथ पहले हाथ चला गया,
पूरा हाथ चला गया, उंगलियां चली गई सारी, खत्म हो गया हाथ यहाँ तक, ऐसे 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 टुकड़े 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 टुकड़े, तो यहाँ तक टुकड़े कर दिए इसके, यहाँ तक बिल्कुल ख़त्म कर दी बाजू, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़े मेरी आंखों के सामने। जब मतलब सामने नहीं, मैं बाद में गया जब देखा मैंने, हाथ मतलब हाथ तो बिल्कुल यहाँ से एक अलग था, हाथ तो साबुत सा था थोड़ा बहुत, एक दो उंगलियाँ टूटी हुई थी, तो यहाँ से ऐसे 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 सचिन को भी पता है। और यहाँ तक ख़त्म होने के बाद में तो एक चौकीदार था, चौकीदार ऊपर चला गया अचानक से वैसे ही, तो वो तो बिल्कुल मतलब कि शरीर के अंदर जो परमात्मा ने ऐसी मतलब वो डाल रखी कि बेहोश हो जाता है आदमी, पता ही नहीं रहता, सुन हो जाता है जब तक मतलब कि दर्द में, तो वो सुन हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलेगा ना, वो चिल्लाएगा कुछ नहीं करेगा वो। तो वो चौकीदार अचानक से पता नहीं कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था, अर्जुन हंस रहा है मेरे को देख के ट्रॉली बैठा बैठा, तो जब वो ऊपर गया चौकीदार ने किलकी मारी बिल्कुल ज़ोर से, किलकी मारते ही हम मैं और सचिन थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा अंधेरा हुआ था बस, यही मतलब कि थोड़ी बहुत सर्दियां थी थोड़ी बहुत, तो उसने किलकी मारी चौकीदार ने भाई, ओ बहुत ज़्यादा शोर मचा दिया उसने, मैं रस्सी छोड़ दी बीच में, मैंने कहा यार बंदा कोई दिक्कत होगी, मुझे डर था कि भाई बंदा कोई अंदर चला गया भट्ठी के अंदर जो पट होता है इंटों का, भगवान ऐसा कभी ना करे किसी के साथ, तो अंदर चला वो मतलब मैंने सोचा अंदर चला गया, मैं भाग के गया सीढ़ियों से, रस्सा बीच में ही छोड़ के गया, सचिन को वहीं छोड़ दिया, मैं कहा तू यहीं रहिए ऊपर मत आइए, तो वो तो वहीं रह गया, तो वो आया नहीं। और जब उसको देखा जाके बहुत बुरा हाल हुआ था, बहुत सुन पड़ा था बिल्कुल, और 6 फुट का आदमी था लड़का, हट्टा कट्टा 6 ऐप थे उसके शरीर में, और बॉडी मतलब इतनी बाजू मेरे से भी 3 गुना बॉडी थी उसकी, और 6 दिन के बाद ना 7 दिन के बाद उसको घर पे जाना था, और नई शादी हुई थी उसकी, तो बेचारा तो अपाहिज हो गया, तो ना फिर ठेकेदार को फ़ोन किया गया भाजी को, तो ड्राइवर गाड़ी थी वो खरखोदा से 6 किलोमीटर भट्टा है, तो ठेकेदार को तब तक फ़ोन किया गया, हमने फ़ोन मिलाए फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस ने टाइम लगा दिया थोड़ा सा, तो पानी पिला रहे थे, पानी नहीं पिलाना चाहिए जब चोट लग जाए किसी को भी, कैसे मर्जी चोट लग जाए पानी मत पिलाओ, और वो बाल्टी लेके आया बिहारी भाई था जो उसका, तो सब फिर तो सभी इकट्ठे हो गए, तो जो पानी मैंने बोला भाई पानी मत पिलाइयो, पानी नहीं पिलाना मर जाएगा तुरंत ही, और भाई तो पानी नहीं पिलाया उन्होंने, मेरी कहना तब तक मान लिया, तो बाल्टी थी पूरी ठंडे पानी की, मतलब कि पता क्या है, तो मतलब हमने फ़ोन किए तो ठेकेदार खरखोदा थे आसपास थे, तो वहाँ से गाड़ी भगाई उन्होंने, नई एंडेवर थी बिल्कुल फ्रेश, तो कह रहे अभी 5 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा भट्ठे पर, 5-7 मिनट में, जब तक तुम जो मतलब 1 किलोमीटर तक की गमी थी जो भट्ठे की गली थी वो कच्ची थी, तो उन्होंने कहा भाई तब तक आप गाड़ी में जैसे मर्जी गाड़ी खड़ी हो कोई भट्ठे पर, तब तक बाहर तक लेके आओ आश्रम तक, तो बाहर तक उसको जैसे तैसे हमने खुद हाथ से मतलब कि खाल अलग हो रही थी, उंगलियाँ जो एक आधी अलग थी, उसके टुकड़े थे खाल के टुकड़े थे, हड्डियों के टुकड़े थे, जो बोझ बाज के कपड़े में सभी उनके भाइयों ने, तो भाई भी थे साथ में, सभी रो रहे थे बेचारे, मेरे पे तो देखा ही नहीं गया मंजर वो, तो गाड़ी में ले गए तो उसको आश्रम तक ले गए, पहले खरखोदा ले गए, खरखोदा से जवाब दे दिया कि भाई इसको जल्दी से जल्दी रोहतक PGI रेफर, उन्होंने पर्चा बना दिया, उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इसको रोहतक लेके जाओ, हाथ भी बच भी सकता है, मतलब कि इसको ठीक कर सकते हैं, तो जब तक वहाँ लौटे तो हाथ डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई अब इस बात का कोई इलाज नहीं होगा, क्योंकि टाइम काफ़ी सारा हो गया था। जब मैं निकला ना भट्ठे से, मेरे पास से एंडेवर गई थी, देख लो फिर इतनी स्पीड में एंडेवर थी, लाइट डिपर सब कुछ ऑन था, तब तक तो अंधेरा हो गया था, जब तक मैं निकला तो 10-15 मिनट हो गई थी, खरखोदा से वापस आए तो 10-15-20 मिनट आधा घंटा ही लग गया होगा PGI तक, तो वहाँ फिर उसको रेफ़र किया, तो हमें कल अगले दिन पता लगा कि भाई उसका हाथ ख़त्म हो गया, तो वो तो अब कचरे में ही गया उसका हाथ बेचारे का, बेकार हो गया, तो बस उसी जो इतना यहाँ तक था हड्डी
बिल्कुल अलग दिख रही थी, तो कोई देख भी नहीं सकता हर एक आदमी को यहाँ तक थी। तो फिर वहीं से बस ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा उसका। तो यही जानकारी है आप लोगों के लिए भी, अपना बचाव रखें, भट्ठे की ज़िंदगी यही है, गरीब आदमी का कोई कुछ नहीं है बेचारे का, तो जितना बचाव रखें उतना बढ़िया है। बोतल दूँ पानी तो ख़त्म हो गया भाई, वो पी गए तुम, उसे मंगा लेना एक बोतल और। तो यही जानकारी है भैया, यही रखें, अपने बच्चे को भी संभालो, सब कुछ ध्यान में रखो, गरीब आदमी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो चलिए, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बड़ा सैड मूड हो गया मेरा इस बात, इसको देख के मुझे याद आया, और मुझे ऐसे याद नहीं आता था। तो चलिए, थैंक यू।